सबसे पहले हैप्पी दिवाली दोस्तों। देखिए तबीयत कुछ ठीक नहीं था कुछ दिनों से, सर्दी और बुखार मेरे साथ ऑलवेज लगा रहता है दोस्तों। फिर भी मैं आ चुका हूँ आज डालकोनी बजाज पे, क्योंकि मेरे पीछे अभी है बजाज की N250 और N160 और N150। भाई तीनों मॉडल ही 2024 की अपडेटेड है। कौन सी मॉडल पे कौन सा चीज़ें अपडेट हुआ है, ऑन रोड कीमत, हर एक चीज़ें आपके साथ बारीकी से आज शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को खाली शुरू से एंड तक देखिएगा, थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिए ताकि कुछ भी डिटेल सब छूट ना जाए। N250 पड़ती है हमारे वेस्ट बंगाल डालकोनी बजाज पे 1,86,000 के आसपास। N160 1,70,000 पड़ेगी और N150 जो फैमिली यूसेज के लिए बेटर बाइक ऑप्शन है मेरे ख्याल से, वो पड़ेगी 1,48,000। तो आपके स्टेट में कीमत जानना चाहते हो तो मेरे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए, मैं बोल दूंगा अप्रोक्स कितने की पड़ेगी तीनों मॉडल। सो सबसे पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, इन तीनों गाड़ियों के मामले में दो चीज़ सबसे कॉन्फ्यूजन कॉमन फैक्ट है, जैसे कि इन तीनों का कीमत और लुक्स। देखिए N150, N160 और N250 तीनों सेम तरीके ही डिज़ाइन लैंग्वेज के साथ आती है। सो कॉन्फ्यूजन इसी जगह पे है, मैं कौन सा बाइक खरीदूँ। देखिए परफॉर्मेंस चाहते हो तो ऑब्वियसली इसे लीजिए, टेक्निकली बहुत सारा चीज़ें इसमें अपडेटेड है दोस्तों। और हाल ही में इसमें स्लीपर असिस्ट क्लच अपडेट दिया है N160 पे। USD सस्पेंशन इसमें भी है और इसमें भी एंड्योरेंस के सस्पेंशन आते हैं इस पर, सेम एस इसमें भी, लेकिन इसमें टेलीस्कोपिक फोर्क दिए जाते हैं। लेकिन लुक्स आप पहले चेक करो, कुछ ऐसा दिखेगी N150। खुल जा भाई, खुल गया, कुछ इस तरीके से दिखते हैं। जैसे देख लो इसमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आते हैं और सिंगल चैनल ABS, पीछे RLP सेंसर दिए जाते हैं इस पर, ऑलमोस्ट 14.5 BHP, 8,500 RPM और 13.5 न्यूटन मीटर टॉर्क देगी 6,000 RPM के साथ। किक स्टार्ट इसमें आती है, लेकिन बाकियों की जो दो मॉडल है दोस्तों इसमें किक स्टार्ट नहीं आती है। यही एक डिसएडवांटेज में नहीं बोलूँगा, इन दोनों गाड़ियों में नहीं है दोस्तों किक स्टार्ट। इसके अलावा फीचर पैक्ड फीचर्स लोडेड गाड़ी N160 और N250 है। बाकी इसमें सिंगल सीट आते हैं N150 में, हमारे वेस्ट बंगाल डालकोनी बजाज पे पड़ेगी 1,48,000। देखिए सामने डिस्क ब्रेक की मेजरमेंट इसमें छोटी दिए जाते हैं और इसमें 300 mm डिस्क ब्रेक और इसमें पेडल डिस्क, और एक एडवांटेज इसमें N250 में। बाकी देखिए किक स्टार्ट और सेल्फ दोनों का ही सुविधा पाओगे। और एक कॉमन चीज़ मैं बताना चाहूँगा, तीनों गाड़ियों के मामले में सेम है दोस्तों, सिंगल स्पार्क टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल होता है इन तीनों गाड़ियों पे। पहले DTSI था, उसी को हटा के आप सिंगल स्पार्क कर दिया है माइलेज एफिशिएंसी के लिए। सिंगल सीट ऑप्शन के साथ आएगी, इसमें है स्प्लिट और इसमें भी स्प्लिट। भाई सीट हाइट तीनों में ही आसपास की है 795, 14 लीटर की टैंक तीनों में ही सेम है। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखिए तीनों गाड़ियों पे ही ब्लूटूथ सपोर्ट करेगी। बाकी इसमें गियर इंडिकेशन देख पाओगे, इंजन किल स्विच ऑफ है दैट्स व्हाई शो करती है, रिफ्यूल दिखाएगी, ओडोमीटर वगैरह देख पाओगे ब्लूटूथ है, और RPM मीटर कुछ इस तरीके से दिखाएगी, ABS है उसका लोगो देख लो, और मोट का बटन इसको दबाते ही हर एक चीज़ें जान पाओगे, IFE, AFE, DTE, डिस्टेंस टू MT, जितना भी पेट्रोल इसमें है उसमें से कितना किलोमीटर तक रेंज कवर करेगी, उन्हीं सब चीज़ों का डिटेल सब देख पाओगे। DTE, IFE भाई बहुत सारा चीज़ें इसमें है, छोटा सा मीटर कौनसोल है, बट फीचर्स लोडेड भाई एकदम फीचर्स पैक्ड है। पीछे से व्यू देखेंगे कुछ इस तरीके से दिखेगी, इसमें इम्प्रूवमेंट किया है टायर हगर को जो पहले नहीं था। पीछे RLP सेंसर दिए जाते हैं रेयर हुई लिपटॉप प्रोटेक्शन के लिए, और इसका टायर को भी अपडेट किया है, MRF ZAPR अब आपको इसमें मिलेगा शायद। हाँ MRF ZAPR, मैंने ठीक ही सुना, MRF ZAPR, दैट्स व्हाई मैं ये चीज़ आपको बोलना चाहता हूँ दोस्तों, MRF ZAPR आ चुका है इसमें। और ओपन चेन सिस्टम है तो इसको ल्यूब रखिए मेंटेन करने के लिए। पीछे है मोनोशॉक, सामने टेलीस्कोपिक फोर्क। अब देखेंगे N160 को, कुछ इस तरीके से दिखती है, सेम एस N160, N250 और N150। तीनों का हेडलाइट यूनिट डिजाइन सेम ही रखा है बजाज, ना जाने क्यों ऐसा किया, इसको थोड़ा सा डिफरेंट लुक्स देना चाहिए था। देखिए USD सस्पेंशन आते हैं इसमें, एंड्योरेंस के दोनों साइड पे सेफ्टी के लिए रिफ्लेक्टर भी दिए जाते हैं, जैसे कि इसमें भी देख लो, डुअल चैनल ABS का सपोर्ट पाओगे इसमें भी है,
300 मिलीमीटर की डिस्क ब्रेक है इस पे, देख लो। बट एक एडवांटेज और जो लेके जाती है एक्स्ट्रा, इसमें है देखिए पेटल डिस्क, जो हिट डिसिपेशन पे काफ़ी ज़्यादा मदद करता है दोस्तों। 24 bhp 8750 rpm और 21 न्यूटन मीटर टॉर्क, देखिए 6500 rpm N250। परफॉर्मेंस भाई, परफॉर्मेंस के शौकीन हो तो इसको परचेस कीजिए, हर एक एंगल से आपको खुश कर देगा भाई। चलाओगे एक बार, पसंद आ जाएगा एक ही बार में, इतना ज़्यादा रिफाइंड है। और इसका जो एग्जॉस्ट नोट है भाई, इसका लाउडनेस के बारे में मैं आपको बता के भी समझा नहीं पाऊँगा। जैसे कि इस वाले गाड़ियों में, सॉरी इस गाड़ी में कनेक्शन किया है, पर सुन लो आवाज। भाई खतरनाक वाला आवाज है इसमें N250 में। चलिए आप देखेंगे N160 को। इसमें एक्चुअली अंडरबेली एग्जॉस्ट का ही इस्तेमाल होता है, बट लाउडनेस के मामले में जो खतरनाक वाला 3000-4000 आरपीएम के बाद जो एक लाउडी साउंड निकालता है वो N250 का बैजिंग देखिए कुछ इस तरीके से आएगी, जैसे कि रेड में लिखे जाते हैं N और 250 व्हाइट पे। सीट हाइट ऑलमोस्ट दोनों के सेम ही आते हैं, सीट का कुशनिंग भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट रखा जाता है इस पे दोस्तों। और देखिए मोबाइल चार्जिंग का भी सुविधा दोनों में ही पाओगे, इसमें भी है, इसमें भी है दोस्तों N150 पे। तीनों गाड़ी पे ही मोबाइल चार्ज कर पाओगे गाड़ी चलाते टाइम। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सेम एज इसके जैसा ही है, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा है बट सेम एज वही फीचर्स लाती है, ज़्यादा कुछ नहीं। तीनों तरीके की ABS मोड है इसमें, रोड, बाकी रेन और ऑफ रोड। तो रेनिंग मोड पे बेटर ब्रेकिंग एफिशिएंसी लाएगी, और ऑफ रोडिंग मोड आपको तो पता ही है, और रोड मोड पे बेटर परफॉर्मेंस पाओगे विथ माइलेज। वार्निंग दिखाती है, सेटिंग्स इधर से ही कर पाओगे, एंटर देख लो। नेविगेशन की इस वाले जगह पे आपको नेविगेशन दिख जाएगा डिस्प्ले में, और गियर इंडिकेशन जान पाओगे, ऑडोमीटर वगैरह देख पाओगे, घड़ी दिखाती है, साइड स्टैंड इंडिकेशन, बाकी बहुत सारा टेक्निकल चीज़ें हैं जो इसके द्वारा देख पाओगे। IFE, AFE, DTE, डिस्टेंस टू एम्प्टी, भाई बहुत सारा चीज़ें दिखाती है। हैंडल बार मुझे ठीक ठाक लगा, कंफर्टेबल भी है। पल्सर का बैजिंग देखिए कुछ इस तरीके से आएगी इबोनी कलर में, क्योंकि ये पर्ल मेटालिक व्हाइट है, दैट्स व्हाई काफ़ी खूबसूरत लगती है ब्लैक और व्हाइट कॉम्बिनेशन। और इधर देख लो, इसमें भी सेम एज, नहीं भाई इसमें सिल्वर में लिखे जाते हैं पल्सर का बैजिंग। मोबाइल चार्जिंग पोर्ट का सुविधा, E20 सपोर्ट भी करेगी, 20% इथानॉल और 80% पेट्रोल मिक्स फ्लेक्सिबल, उसके साथ इस गाड़ी को आप चला पाओगे। कनेक्शन इसमें नहीं है दोस्तों उसमें। और हाँ, आपके स्टेट में कीमत जानना चाहते हो तो मेरे कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर दो, मैं आपको बता दूंगा अप्रॉक्स कितने की पड़ेगी आपके स्टेट में। और एक एडवांटेज के बारे में बताना चाहूंगा, इसमें 140 सेक्शन के पीछे टायर प्रोफाइल दिए जाते हैं, इसमें 130 और इसमें 120, बट MRF जैपर आ चुका है इसमें, MRF जैपर देख लो। और इसका मेजरमेंट ट्यूबलेस है, 120x80, इसमें 130 और 130 और 140 बुलपम्प जैसा भाई साउंड निकालेगी। अपाची में होता है ना बुलपम्प एग्जॉस्ट, उसी के तरह साउंड निकालती है N250, इतना लाउड है भाई। इसका क्वालिटी देखिए भाई, काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है, सारी गार्ड दिए जाते हैं इस पर, फ्लेक्सिबल इंडिकेटर, नंबर लाइटिंग, नंबर प्लेटिंग लगाने की जगह, ग्रैबरिल देखिए, डिज़ाइन भी ठीक ठाक है मेरे ख्याल से। इसमें कुछ अनोखा डिज़ाइन है, राउंडर शेप पे, पकड़ने में और भी मजबूती, ग्रिपिंग लाएगी, मतलब ग्रिप करने में और भी मजबूत तरीके से पकड़ पाओगे इसको। सीट का कुशनिंग काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट आते हैं, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट का सपोर्ट है, टेलीस्कोपिक है इसमें, बाकी दोनों में USD, इसमें भी USD सस्पेंशन देना चाहिए था N150 में, क्योंकि लुक्स तीनों में सेम है, अगर आप देखेंगे तो लुक्स तीनों में सेम है। सो दैट्स वाई इसमें डुअल चैनल ABS और सिंगल सीट रखना चाहिए इसको, और USD सस्पेंशन देना चाहिए इस पर, क्योंकि बहुत सारे ग्राहकों का डिमांड है भाई हमें N160 में सिंगल सीट चाहिए। सो मैं दैट्स वाई इसलिए बोला, इसमें अगर सिंगल सीट रख के ही N150 पे USD और डुअल चैनल ABS अपडेट दे दे भाई, बहुत सारे कस्टमर खुश हो जाएंगे इसको देख के। चाबी कुछ इस तरीके से आती है N250 में, और इसमें कनेक्शन है दोस्तों। सो स्टार्टिंग में कुछ ऐसा दिखाएगी इंटरफेस, घड़ी दिखाती है, साइड स्टैंड इंडिकेशन देख पाओगे, नेविगेशन की जगह और ब्लूटूथ इंडिकेशन, AFE, IFE, TC ट्रैक्शन कंट्रोल है इसमें। और एक्चुअली एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको,
5 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार के ऊपर जब ये गाड़ी जाएगी ऑटोमेटिकली ट्रैक्शन कंट्रोल एक्टिवेट हो जाएगा। एक एक्स्ट्रा बेनिफिट आप पाओगे इसी टेक्निकल अपडेट की वजह से, फीचर्स भी इसे एक्स्ट्रा बोल पाओगे। इंजन एफआई वार्निंग लाइट और न्यूट्रल का इंडिकेशन, इंजन चेक ऑयल, फ्यूल गेज, आरपीएम मीटर स्टाइल देखिए कुछ इस तरीके से दिखाएगी। बाकी तीनों तरीके की मोड तो इसमें है, इसको लेके और कुछ बोलना नहीं है मुझे। डीटी है, डीटी डिस्टेंस टू एम्प्टी, एफई, आईएफई, इनिशियल फ्यूल इकोनॉमी, भाई बहुत सारा चीज़ें ऐसा कुछ है जो 250 सीसी की गाड़ियों में शायद ही आपको ना मिले इतना कम बजट में। 1,86,000 हमारे वेस्ट बंगाल डानकुनी बजाज पे कीमत रखी जाती है इसकी। जैसे N150, N250 और N160, इसके साथ मैं N125 को भी कंपेयर करके आपको दिखाऊंगा दोस्तों, अगर गाड़ी डानकुनी बजाज पे आती है तो। जब आ जाएगा उसका भी वीडियो आप मेरे चैनल पे देख पाओगे, कौन सा गाड़ी आपके लिए लेना बेस्ट होगा तब आप जस्टिफाई कर पाओगे। जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और चैनल बेल आइकॉन को क्लिक कर लो ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। 14 लीटर के ही टैंक आते हैं इसमें, इसमें ऑलमोस्ट 16 bhp, 8750 rpm और इसमें है 14.5 bhp और इसमें 24 bhp। भाई bhp परफॉर्मेंस इन सब चीज़ों के मामले में एडवांटेज लेके जाती है N250, लेकिन दोस्तों माइलेज परफॉर्मेंस और क्या बोलूँ, एक लो बजट इन्हीं सब चीज़ों को अगर देखोगे तो N150 बेस्ट ऑप्शन होगा मेरे ख्याल से। फैमिली के लिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, फैमिली यूसेज के लिए बेस्ट होगा N150। चलिए आज का वीडियो यहीं पे खत्म करेंगे, बाकी बहुत सारा कुछ डिटेल वीडियो आप मेरे चैनल पे देख पाओगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए।